आज मैं BNU में हूँ। BNU एक लिबरल आर्ट यूनिवर्सिटी जहाँ के स्टूडेंट अपनी कैंपस लाइफ में बहुत ही बिजी हैं और कैंपस लाइफ भी बहुत बहुत मज़ेदार है। तो वीडियो में जाने से पहले यार चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली अपडेट्स जल्द से जल्द मिलती रहें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलाते हैं आपको BNU की चिकनी आवाम से। क्या नाम है आपका? सहर। डिपार्टमेंट कौन सा? स्वेट। BNU की कैंपस लाइफ कैसी है? कैंपस लाइफ बहुत अच्छी है, मतलब माहौल अच्छा है और फ्रेंडली है काफ़ी, और हमारा तो बिजी गुजरता है क्योंकि हम सारे दिन स्टूडियो में काम करते रहते हैं, इसलिए बस ऐसी है BNU की कैंपस लाइफ। कैसे गुजर रही है BNU की लाइफ? हंसदियाँ चेहरे का मतलब नहीं होता, कहते कोई तकलीफ नहीं, ऐसा मतलब है तकलीफा डील करना आता, मतलब तंग हो BNU से? लगे हुए हैं भाई बहुत हैवी किस्म के। वो क्यों यार? यहाँ सोच के तो आए थे कि भाई बहुत यो लाइफ है, लेकिन यहाँ आए तो पता लगा है कि यो बनने के लिए करवाने पड़ते हैं। जैसे आप करा रहे हो मेरे साथ। मैं क्या करा रहा हूँ आपके साथ? वही टपा टप। मतलब हुआ है आपके साथ BNU में? यार लिटरली तो नहीं हुआ, लेकिन लोगों ने ली है, लेकिन हमने भी उनकी बात में ली है। मतलब यही चाल सो चाल रहा अभी? हाँ, लेन देन का माहौल है यहाँ पे बहुत हैवी किस्म का। बस ठीक है यहाँ, वैसे तो कोई कपल हो तो उसके लिए ज़्यादा अच्छा है, मतलब आपको कंपनी वगैरह मिल जाएगी सारा कुछ, तो ये हिसाब है। बाकी कैंपस लाइफ इज़ ओके, ठीक है, अच्छी है। मैंने सुना है BNU में सूटे बड़े चलते हैं, सुबह सुबह के टाइम आप आओ तो आपको नाश्ते के बजाय यहाँ पे सूटे फूकने को मिलते हैं। सूटे सूटे ही तो मेन चीज़ है BNU में, और कुछ नहीं है? नहीं है, लेकिन जो सूटे हैं ठीक है, वो इधर ज़्यादा तो यही है सूटे वगैरह, बाकी तो इतना कोई है नहीं, क्योंकि BNU में लोग इसलिए तो ज़्यादातर यही तो चीज़ है BNU की, सूटे। फुल ऑन सूटा है? फुल ऑन सूटा है, फुल सीन। BNU के लोंडों का क्या सीन है? BNU के लॉन्डों का पहली बात ये जहाज हैं बहुत बड़े, मतलब ये कि BNU में हमारे एक स्पेसिफिकली जगह जिसको एयरपोर्ट कहते हैं, वहाँ पर आपको सारे जहाज नजर आएंगे, फ्लाइट उड़ती हैं वहाँ से। सीरियसली हमारे BNU की पहचान है, बाकी डिफरेंट डिफरेंट है, कुछ अच्छे भी हैं और कुछ ऐसे हैं बस बच्ची देखी और चलती, मतलब ठरकी वहाँ बहुत है। हाँ, बहुत ठरकी लोग हैं, लड़कियाँ भी ठरकी हैं, लेकिन फिर लड़के तो आपको पता ही है। अच्छा, मैंने सुना है कैफ़ों में सुबह सुबह आपको कोई फ्रेश, मतलब के नाश्ते के बजाय आपको सिगरेटों की स्मेल आती है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ का सुबह की अगर आपने किसी को गुड मॉर्निंग वहाँ एयरपोर्ट वाली साइड से पूछना है तो उनकी गुड मॉर्निंग एक चर्च का सिगरेट होता है, वही आप पूछ सकते हो आपकी मॉर्निंग हुई है कि नहीं हुई, अगर तो हाँ कह दें तो समझिए फ्लाइट उड़ चुकी है। यहाँ का ये मतलब कोड वर्ड है? कोड वर्ड है आप फ्लाइट। हाँ, फ्लाइट आप यहाँ एयरपोर्ट पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा। बस यही बात है, बस ऐसे ही है। यार सीन तो इतना खास नहीं है, बाहर से ज़्यादा दिखाया जाता है अंदर इतना, मतलब यही है कि काफ़ी कम्युनिकेशन गैप है आपस में स्टूडेंट्स के, यूनिटी नहीं है इतनी ज़्यादा जितनी होनी चाहिए, अगर होगी तो मतलब बेहतर हो जाएगी, ऐसा होगा तो मतलब माहौल बेहतर हो जाएगा। क्या नाम है आपका? जोहा। डिपार्टमेंट कौन सा? स्वैट। BNU की कैंपस लाइफ की सबसे बुरी बात क्या है? बहुत सारी बुरी बातें हैं, सबसे ज़्यादा बुरी बात है लफंगे लड़के। मतलब लड़के? हाँ बिल्कुल लफंगे हैं बहुत ज़्यादा वहाँ पे। BNU के लोंडो का क्या सीन है? वैसे पठान तो नहीं आप? हूँ तो पठान, और ये है कि बंदे को हुसन परस्त होना चाहिए। मैंने BNU के लोंडो का पूछा है, मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ, लोंडे सारे प्यारे हैं, और आपका दिल ना लोंडो का कि मिल रही है सब, हम तो हुसन परस्त लोग हैं बस, जिसे अच्छा और प्यारा देख ले, प्यार तो जानवर पे भी आ जाते हैं, तो बस जानवर नजर आए जी। हम सारे ही जानवर है, सोशल एनिमल्स है, ह्यूमन बीइंग्स है। क्या नाम है आपका? सुमैया। डिपार्टमेंट? SMC। BNU के रिलेशनशिप कैसे है? बहुत ही वाहियात। जैसे कि आप इधर ही देख लें। नहीं यार, बहुत ही वाहियात है जी, ना हो तब भी जज करेंगे, हो तब भी जज करेंगे, तो भाई बंदा जाके छलांग मार दे ज्यादा। यूनिटी नहीं है? नहीं है बिल्कुल भी, बिल्कुल भी किसी लड़के लड़की किसी में भी नहीं है। जिनकी यूनिटी है अगर वो दोस्त भी ना, तो यहाँ पे फजूल फजूल बोलेंगे और फजूल फजूल कहेंगे कि नहीं ऐसे हैं वैसे हैं, तो भाई फिर कहाँ जाए बंदा, कहाँ जाके सर मारे अपना। क्या नाम है आपका? मीडो। कौन सा डिपार्टमेंट है? TFT। उसके स्टूडेंट हो जी? बिल्कुल। BNU का सबसे फेमस डायलॉग?
दो डायलॉग हैं, एक तो यहाँ पे सीन बहुत है। किस चीज़ का? हर चीज़ का। मतलब बहुत लिबरलिज्म है इधर, और दूसरा ये रैगिंग। वैसे भी लिबरल आर्ट यूनिवर्सिटी है ना ये? एग्जैक्टली, रैगिंग तो होती नहीं ना यहाँ पे, बिल्कुल भी। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल सॉरी से भी नहीं होती, हम तो करते नहीं, मेरे शरीफ लोग पढ़ते हैं यहाँ पे। नहीं, ये वाकई टोंट कर रहे हो या हकीकत बात है? नहीं यार, मैं टोंट क्यों करूंगा, हकीकत कर रहा हूं। बीएनयू का स्टूडेंट हूं, सामने डिपार्टमेंट है मेरा। कैंपस लाइफ कैसी है इधर की? बहुत सेक्सी है यार, बहुत मजा आता है, बहुत सीन है यहां पे। मैं तो अभी देख रहा हूं इधर, कोई मुझे इतना मतलब के खास नजर नहीं आ रहा, क्या चक्कर है ये? देखने के लिए आंखें चाहिए होती हैं, दिल की आंख। मैं देख रहा हूं, मैं दिल की आंख से ही देख रहा हूं। सही हो गया यार, दिल की आंखें खोलनी नहीं होंगी आप। मैंने खोल ली है ना, खोल के कह रहा हूं। सही तरह हाथ डाल के खोलेंगे तो खुलेगी। मतलब फुल फुल ऑन पुंडिया यहाँ पे। पुंडी क्या होता है? मैं तो बहुत शरीफ बच्ची है, मैं तो बच्चियाँ चिड़ना। बच्चियाँ क्या होता है? ये जो भी दाएं बाएं से गुजरेगी। नहीं, वो तो हम बच्चों को देखते हैं। मैं मुझे बहुत ही इनोसेंट लग रहे हो। फीडर कहाँ है आपका? फीडर क्यों नहीं, बिरयानी खाते हूँ आजकल। बीएनयू की बिरयानी भी बहुत मशहूर है। और बस क्या कहूँ यार, बीएनयू में फ्रीडम का क्या सीन है? फ्रीडम तो बस क्लास में तो बिल्कुल नहीं होती है, उसके बाहर बहुत है, उसके बाहर आपकी मर्जी है, मेरे क्लास में बिल्कुल भी नहीं। बी एन यू की तो गालियाँ तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन सबसे फेमस गाली जो है भड़वा। मतलब भड़वा यहाँ पे? अच्छा ये बताओ कि यहाँ पे तरसी भी आवाम है कि नहीं? यहाँ पे जब आप स्वेड और स्लेस की बात करते हो तो वहाँ पे तो आपको इतने तरसी आवाम नहीं मिलते, लेकिन तरसी आवाम आपको मिलेंगे बिजनेस उसमें बिल्डिंग में आपको मिलेंगे, जहाँ जिसको हम SB कहते हैं। तो वहाँ पे आपको ज़्यादा तरसे आवाम मिलते हैं, क्योंकि वो बिजनेस स्टूडेंट्स होते हैं तो बच्चे वहाँ पे कम होते हैं उसी वजह से। तो बाकी स्वेड और स्लेस में कम ही मिलते हैं, लेकिन बाहर से जब कोई फेस्टिवल वगैरह कुछ होता है तो आ जाते हैं ऐसे। मतलब फुल लोन पुंडी है? पुंडी बस पुंडी समझें, पुंडी ऑन है, आप खुद भी आसपास देख सकते हैं, पुंडी ही पुंडी है। किसी को कोई फिक्र नहीं है, बस देखो देखो ना देखो, दे डोंट लुक एट यू, लाइक वो आपको स्टॉक नहीं करेंगे। बीएनयू की सबसे फेमस गाली पैन यका। हाँ पैन यका बड़ी फेमस गाली है जी यहाँ पे, हर बंदा जिसको जिसका दिल करता है जिसको दे देता है, कूल बनने के लिए। कूल बनने के लिए? हाँ कूल बनने के लिए वो पैन यका। तो